वेलकम दोस्तों, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल हर्बल मज़ा। आज की इस वीडियो में हम एक आपको घरेलू नुस्खा बताने वाले हैं जो आपके छोटे लिंग को लंबा कर देगा और आपकी सिकुड़े हुए लिंग के अंदर जान पैदा कर देगा। दोस्तों, आजकल बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आ रही हैं फ़ोन नंबर के ज़रिए से, व्हाट्सएप पे लोग कॉन्टैक्ट करते हैं और कहते हैं कि सर हमें कोई ऐसा घरेलू नुस्खा बताइए जो हमारी जो बचपन की गलतियाँ हैं या किसी भी वजह से जो सिकुड़ा हुआ लिंग है वो थोड़ा सा टाइट हो जाए और वो लंबा हो जाए। तो इसकी हम एक आपको घरेलू रेमेडी बताने वाले हैं। इससे पहले कि हम रेमेडी को शुरू करें, आपसे दरख्वास्त है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी दबा लें, जिससे आने वाली हर एक नई अपडेट आप तक ईजिली पहुँचती रहे। दोस्तों, लिंग का छोटा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर लिंग इतना छोटा है कि आप खुद ना खुद सेटिस्फाई हो पा रहे हैं और ना ही अपनी फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इंसान की दिल के अंदर एक शर्मनाक बात पैदा करते हैं, जिसकी वजह से लोग अंदर ही अंदर परेशान होते रहते हैं। ना ही वो किसी के साथ अपनी इन प्रॉब्लम को शेयर कर पाते हैं और ना ही उसका कोई इलाज कर पाते हैं। इसलिए आज का घरेलू नुस्खा उन सभी नौजवानों के लिए और उन लोगों के लिए है जिन लोगों को इस तरह की कोई भी दिक्कत है। और अगर आप मेरे साथ डायरेक्टली कॉल पर अगर अपनी किसी प्रॉब्लम को शेयर करना चाहते हैं या उसका सॉल्यूशन चाहते हैं, तो मेरा नंबर आपको वीडियो पर मिल जाएगा। आप कभी भी व्हाट्सएप करके या कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं और मैं बिल्कुल संतोषजनक आपसे बात करूंगा। दोस्तों, लिंग को लंबा करने के लिए और मोटा करने के लिए इन तीन चीज़ों को हमें इस्तेमाल करना है। पहला लौंग, जिसको हमें पानी में भिगोकर रखना है कम से कम एक घंटे के लिए, और दूसरा हमें लहसुन को इस्तेमाल करना है, और तीसरा हमें इस्तेमाल करना है गोले का तेल का। अब हमें इस नुस्खे को कैसे बनाना है वो आपको दिखा दे। इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें एक मोर्टर पेसल की ज़रूरत होगी और आप सिल बट्टे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह। तो सबसे पहले कम से कम हम तीन लौंग ले लेते हैं, थोड़ी सॉफ्ट लौंग ले लेते हैं, और ख़ास तौर से ध्यान रखें कि हम एक ऐसी लौंग का चयन करेंगे जिसके ऊपर की ये फली ये फूल साथ में हो। तो आप देख सकते हैं ये तीनों लौंग मैंने ऐसी ही ली हैं जिसके अंदर फूल भी साथ में है और इसके पीछे का शाफ्ट भी साथ में है। अब इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इनको हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब हमें साथ में क्या इस्तेमाल करना है, एक ये लहसुन है दोस्तों, और इस लहसुन को हम अच्छे से तोड़ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसका छिलका उतार लिया है। अब इसको इसके अंदर डाल देते हैं और इसको भी क्रश कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये एक हमारा मिश्रण तैयार हुआ है। इस मिश्रण के अंदर हमें कम से कम एक चम्मच ऑलिव ऑयल या एक चम्मच कोकोनट ऑयल मिला लेना है। ये आप देख सकते हैं कि ये पैराशूट ऑयल हमने लिया है, ये कोकोनट ऑयल है, और इसको हमने खोल लिया और ये हम इसके अंदर डाल लेते हैं। तकरीबन एक चम्मच हमने कोकोनट ऑयल इसके अंदर डाल लिया है और अब हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। तो ये मिश्रण हमारा दोस्तों तैयार हो गया है। इस मिश्रण को हम पूरे एक दिन कम से कम हल्की धूप के अंदर रख देते हैं, जिससे कि इसका जो तेल है वो बाकी रहता है। इस मिश्रण को हम एक दिन के लिए कपड़ा ढककर धूप के अंदर रख देते हैं, हल्की धूप के अंदर, जिससे इसके जो लहसुन है और इसके अंदर जो हमने लौंग डाली है उसका सारा पानी उड़ जाता है और सिर्फ ऑयल के अंदर इसका अर्क बाकी रह जाता है, और ये ऑयल हम अपने पीनिस के ऊपर अच्छे से मसाज करते हैं। इसकी जब हम मसाज करेंगे तो रात में सोने से पहले कम से कम 5 मिनट अपने हल्के हाथों से अपने पीनिस के ऊपर मसाज करें। ऐसा करने से आपको 3 से 4 दिन के अंदर महसूस होगा जो आपका सिकुड़ा हुआ लिंग था वो लंबा होने लगेगा और उसकी मोटाई बढ़ने लगेगी और धीरे 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 उसके अंदर टाइटनेस भी आनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, इसके साथ साथ आप अगर सर्दियों में इस नुस्खे का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक क्लोव या एक कली रोज़ाना छील कर, इसकी लहसुन की एक कली रोज़ाना छील कर मुँह में चबा कर सुबह उठने के फौरन बाद आपको इस्तेमाल करनी है। इससे एक हफ्ते के अंदर आपकी मर्दाना ताकत वापस आ जाएगी।
अगर आपको लगता है ये सारे घरेलू नुस्खे इस्तेमाल आपने कर लिए हैं और आपको कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो मैं आपको एक ऐसा ऑयल बताने वाला हूँ जो ऑयल हर तरह की प्रॉब्लम के लिए बहुत ही स्पेशल सॉल्यूशन है। अगर आपको लगता है दोस्तों कि आप हर तरह के घरेलू नुस्खे इस्तेमाल कर चुके हैं और सॉल्यूशन नहीं है मिल रहा है आपको, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप या तो मुझे डायरेक्ट कॉल कर लें दिए गए नंबर पर, या व्हाट्सएप पर आप मेरे से बात कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट www.herbalmaza.com पर जाकर इस ऑयल को ले लें, परचेज कर लें, और वहाँ से परचेज करके आप इसको इस्तेमाल करें। सुबह और शाम दो टाइम आपको इसकी लिंग की मालिश करनी है। इसका नाम लिंगलोंग ऑयल है, जो कि बड़ा फेमस है वर्ल्ड वाइड, ये लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे अच्छा ऑयल लिंग को लंबा मोटा करने के लिए मेरे हिसाब से लिंगलोंग ऑयल से अच्छा कोई भी ऑयल नहीं है। तो आप इसको कभी भी परचेज करें और आप मेरे से किसी भी टाइम फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए नुस्खे के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।